असलम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर है फोर टॉपिक है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देर आर टू माइक्रोस्कोप आर यूज इन माइक्रोस्कोपी डेट इज लाइट माइक्रोस्कोप एल एम एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज ई एम माइक्रोस्कोपी में दो तरह के माइक्रोस्कोप यूज होते हैं एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप जिसे एल कहते हैं शॉर्ट में और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे ई कहते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप इन अ लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट लाइट थ्रू द अब माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप में क्या होता है एक लाइट जो है वो स्पेसीमेन से पास होती है अब स्पेसीमैन क्या होता है द बायोलॉजिकल सैंपल यू आर लुकिंग एट मतलब कि कोई भी सैंपल जो कि आप उस माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उसे कहा जाता है स्पेसीमेन ठीक है A photograph of an image taken through a microscope is called micrograph. अब माइक्रोस्कोप से जो इमेज ली जाती है उसे कहा जाता है माइक्रोग्राफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म बाईर ऑफ द पावर ऑफ दी आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस अब लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो फॉर्म की जाती है डिफरेंट किस्म के पावर से और साथ ही डिफरेंट किस्म के आई पीसीज और ऑब्जेक्टिव लेंस इन सबको मिलाकर उसकी मैग्निफिकेशन फॉर्म की गई है इन ऑर्डर टू अटन द टोटल मैग्निफिकेशन वेन व्यूइंग एन इमेज विद अ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप से अगर कोई इमेज देखनी है तो उसकी जो मैग्निफिकेशन है उसके लिए टेक द पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विच इज़ एट 4x, 10x टेन एक्स एंड फोर्टी तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर होगी वो होगी 4x, 10x टेन एक्स एंड फोर्टी एंड मल्टीप्लाई इट By the power of the eyepiece, which is typically 10x. Therefore, a 10x eyepiece used with a 10x objective lens will produce a magnification of 100x. This means ऑबजेक्ट कैन बी मैग्निफाइड फोर्टी एक्स हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर है वो ली फोर एक्स टेन एक्स एंड फोर्टी एक्स अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है किस पावर से आई पीस की पावर से जो कि होती है टेन एक्स इसीलिए टेन एक्स का जो आई पीस होता है वो टेन एक्स के ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ यूज होता है जो कि एक ऐसी मैग्निफिकेशन uh, प्रोड्यूस करता है जो कि हंड्रेड एक्स होती है ठीक है जो आई पीस होता है वो टेन एक्स के ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ यूज़ होता है जो कि एक ऐसी मैग्निफिकेशन uh, प्रोड्यूस करता है जो कि हंड्रेड एक्स होती है ठीक है सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो मैग्नीफाइड होगा वो होगा फोर्टी एक्स हंड्रेड एक्स एंड फोर हंड्रेड एक्स ठीक है अब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप दैट दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर देन अ बीम ऑफ लाइट अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से किस तरह हाँ से मुख्तलि है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप था वो लाइट को यूज करता था स्पेसिमेन से लाइट को गुजारता था बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन से गुजारता है इलेक्ट्रॉन हैव अ मच शॉर्टर वेव लेंथ दैन विजिबल लाइट एंड दिस अलाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हायर रेजोल्यूशन इमेज दैन स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप अब इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ है वो बहुत छोटी होती है एक विजिबल लाइट से यानी कि जो लाइट हम देखते हैं विजिबल लाइट जो होती है उससे उसकी वेव लेंथ इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है और, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू एग्जामिन नॉट जस्ट होल सेल बट ऑल्सो द सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपार्टमेंट विद इन दैम अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आप सिर्फ सेल को एग्जामिन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते बट उसके अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर या फिर कंपार्टमेंट जो होते हैं सेल के अंदर उनको भी आप इसमें एग्जामिन कर सकते हैं अ लाइव सेल कैन नॉट बी इमेजिन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब एक लाइव सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज नहीं हो सकता मतलब कि वो आप इसमें एग्जामिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रेजोल्यूशन एज स्मॉल एज जीरो पॉइंट नैनोमीटर एंड मैग्निफिकेशन अप टू 250,000 टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो कम से कम होती है 0.2 नैनोमीटर और इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो दो लाख पचास हजार टाइम्स ज्यादा होती है देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो मजीद टाइप ही हैं अब जो टू मेजर टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है नंबर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे कहते हैं एसई एम एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसे कहते हैं टी ई एम इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द दर्फेस ऑफ अ अल टिश्यू क्रिएटिंग अ डिटेल्ड इमेज ऑफ अ थ्री डी सरफेस अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जाती है यानी कि जब वो स्कैन हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो आगे और पीछे हो रही होती हैं सेल या फिर टिश्यू के सरफेस पे तो इस तरह से एक डिटेल्ड इमेज जो है वो थ्री डी सरफेस पे बन के आती है इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन कंट्रास्ट द सिंपल इज कट इन टू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसिस बिफोर इमेजिंग एंड द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू द स्लाइस रादर देन स्किमिंग ओवर इट सरफेस अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या किया जाता है जो भी स्पेसिमेन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है यानी उसके थिन स्लाइसिस कर लिए जाते हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास की जाती है तो इस तरह इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सर्वे सरफेस से नहीं गुजरती उन छोटे स्लाइसिस से गुजरती है टी ई एम इज़ ऑफन यूज टू डिटेल इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल और ये जो है वो यूज़ किया जाता है सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो अंदरूनी साख्त होती है उसकी इमेज को डिटेल में देखने के लिए यूज़ होता है तो ये था आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपने इसे करना है लाइक शेयर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़